हेलो एवरीवान वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सो जैसे कि हमने बोला था कि आज हम मॉक टेस्ट फोर लाएंगे आज जो है ये मिनी मॉक टेस्ट है जिसमें हम क्या करेंगे हमने जम्मू एंड कश्मीर के कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लेके आई हूँ आपके लिए ठीक है इसमें हम क्या करने वाले हैं इसमें हम थर्टी क्वेश्चन जो हैं वो करने वाले हैं इसमें मिक्स क्वेश्चन है, है जम्मू कश्मीर की जियोग्राफी है हिस्ट्री है प्लस आर्ट एंड कल्चर जो है वो सब कुछ इस वीडियो में आपको मिल जाएगा थर्टी क्वेश्चन हमने आज लेके आए सो so, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से हाँ और एक और बात है जो तो चैनल को फर्स्ट टाइम देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड कमेंट करके भी आप अपने अपने व्यूज जरूर दीजिएगा एंड एक और चीज है ओके एक और चीज है आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने जो भी मेरे आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उनको आपने बार बार रिपीटेशन पे करते जाना है क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है कि जो हिस्ट्री है वो कभी चेंज नहीं होगी आपको क्वेश्चन जो है उन्हें उसी में से पूछे जाएंगे ठीक है ना कोई ये नहीं है कि अलग से कोई और हिस्ट्री बनेगी जम्मू कश्मीर की तो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है जो हिस्ट्री है आपसे आप उसी के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं हाँ करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो चेंज हो सकते हैं बट हिस्ट्री के क्वेश्चन चेंज नहीं हो सकते हैं ये भी आपको समझना चाहिए ठीक है ना तो हिस्ट्री चेंज नहीं होगी तो आपको उसी के क्वेश्चन पढ़ेंगे चाहे वो आप जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ रहे हो चाहे

चलिए हाँ और एक और चीज़ है हाँ जो भी चैनल पे नया है एंड जो भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक पी डाल दूँगी जो कि आपको ज्वाइन करना है जहाँ पे आपको सारे पीडीएफ वगैरह जितने भी हैं वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे तो आपने क्या करना है आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है वहाँ पे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है तो आपने क्या करना है ज्वाइन करके फिर ये पीडीएफ जो भी जितने भी पीडीएफ अभी जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उन सब के पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे ओके okay, तो एक और चीज़ है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे तो मैं ज़्यादा नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देती हूँ बट हाँ जो भी है जिसको अपने एंड से जो कहना है कह सकते हैं मैं उस आप सबके अपने आप सब अपने व्यूज़ हैं आप सबके अपने अपनी बातें हैं जिनका जवाब देना मुझे ज़रूरी नहीं है जो नेगेटिव कमेंट्स हैं मैं उनकी बात रही हूँ सो मुझे उससे कोई भी वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई नेगेटिव कमेंट्स मेरे लिए कर रहा है तो हाँ मेरी तरफ से इतना है कि जो भी मैं आप सबको प्रोवाइड कर सकती हूँ अपने तरीके से या अपने तरफ से वो सब मैं आपको प्रोवाइड करना आ, कर रही हूँ सो होपफुली आपको वो सब अच्छा लग रहा होगा इसीलिए जो है बच्चे वीडियोज़ को देख रहे हैं सो बस यही था जो मुझे आपसे स्टार्टिंग में कहना था बाकी सब बढ़िया है आप लोग अपनी तैयारी रख करते जाइए एग्ज़ाम तो है दिसंबर में ही होने वाले हैं ठीक है जी तो काफ़ी मैंने आपका वक्त ले लिया है तो अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो कि है हु <coughs> हैज़ been awarded फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड Wildlife Conservation Award वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड में किसको मिला है इनमें से आलिया मीर जहां सुमन शर्मा या नफ्ताब या इनमें से किसी को भी नहीं सो थर्टी सेकेंड्स या टेन सेकेंड्स आपको देते हैं ठीक है ना टेन सेकेंड्स आपको देते हैं टेन सेकेंड्स में आपने इसका आंसर जो है वो करना है एक और चीज़ है संडे को हमारा फिर से फुल मॉक टेस्ट आ रहा है तो आप सब जो हैं अच्छे से अपने चीज़ों को प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि काफ़ी सारी क्लासेस आप लोगों ने पढ़ ली होगी किसी भी चैनल से आपने यूट्यूब पे पढ़ ली होगी फुल क्लासेज विलेज लेवल वर्कर की तो अब हम सिर्फ एम से क्यूज़ ही करेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम तो दिसंबर में होने वाले ये तो फुल है पक्का है ठीक है ना तो अब हमें सिर्फ एम से क्यू प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स या रीजनिंग सॉल्व करना चाहिए इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए कंप्यूटर के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए ठीक है ना सो इसका आंसर बता देते हैं इसका आंसर ऑपर नंबर ए इज आलिया मीर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं विध सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से इनमें से कौन सा सेक्शन डील करती है सिक्सटीन टोर्टीन या ट्वेंटी विथ सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डील्स विद द मेंबरशिप ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली तो जल्दी जल्दी बताइए कौन सी सेक्शन डील करती है लेजिस्लेटिव असेंबली से सो so, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेट इज सेक्शन 14 डील करती है हमें जो है हमें सिलेबस में जे एंड के रिओर्गेनाइजेशन एंड लास्ट जैसे हुआ था हमें इनके सेक्शंस को भी पता होना चाहिए कौन सी सेक्शन किससे डील करती है ठीक है ना तो ये सब आपको पढ़ना है नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कौन सा है काला हुई, बोथ या नन हो नो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर आपने बताना है सो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए ओके ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है नेक्स्ट जाए हु वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर सबसे लास्ट हिंदू रूलर कौन सा था हर्षा भोजा उदयन देव या देव? हर्षा भोजा उदयन देव या फिर हादेव इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी ठीक है ना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है चलिए क्रेओ रिजर्व इन ऑफ़ फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी कहां पे है यह कंजर्वेशन रिजर्व पुलवामा गांधरबल या फिर श्रीनगर कहां पे है ये वाली कंजर्वेशन रिजर्व क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेट इज पुलवामा पे है पुलवामा में है तो आपको ए आंसर पता होना चाहिए ठीक है जी नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे नंगा कंजर्वेशन रिजर्व इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू जम्मू में है सांबा में है पुंछ में है राजौरी में है नंगा कंजर्वेशन रिजर्व कहां पे है नंगा कंजर्वेशन रिजर्व है तो ये है ऑप्शन नंबर बी डेट इज सांबा में ठीक है सांबा में है ये कंजर्वेशन रिजर्व एंड और भी सारी कंजर्वेशन रिजर्व हैं जैसे कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपके लिए डाला हुआ है वो आप पढ़ सकते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपके लिए डाला हुआ था ठीक है ना वो भी आप देख लेना क्योंकि कंजर्वेशन रिजर्व से ना क्वेश्चन पूछे जाता है तो कौन सी कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पे है ये सब क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं तो आप सबको याद होना चाहिए जैसे जम्मू की कुछ और इंपॉर्टेंट जैसे घरहाना है पग्रवाल है कुकरियान है ठीक है ना संग्राल है ये सब कहाँ पे है जम्मू में है तो ये सब कंजर्वेशन रिजर्व आपको पढ़नी है ये इंपॉर्टेंट है तो मैंने आपको बता दी ठीक है चलिए लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फॉलोइंग कहाँ पे है लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बारामूला अनंतनाग बांडीपुरा या ये गांधरबल है ठीक है ना गांधरबल क्वेश्चन नंबर सेवन का क्या आंसर हो सकता है यह है ऑप्शन नंबर ए डेट इज बारूला नेक्स्ट है शाहपुर कांडी डैम इज इन ऑफ़ द फॉलोइंग रिवर कौन से रिवर पे है शाहपुर कांडी डैम रावी रिवर पे बियास रिवर पे चेनाब पे, पे. शाहपुर कांडी डैम कौन से रिवर पे है क्या वो रावी रिवर पे है बियास पे है इंदस पे है या फिर चेनाब पे है क्वेश्चन नंबर एट का आंसर है ऑप्शन नंबर ए डेट इज रावी रिवर ओके okay? चलिए भीमगढ़ फोर्ट इज जो फोर्ट है वो किसने बनाया है जोरावर सिंह ने मियाहंतू ने गुलाब सिंह ने या फिर हरि सिंह ने भीमगढ़ फोर्ट किसने बनाया है क्वेश्चन नंबर नाइन का आंसर है तो भीमगढ़ फोर्ट है ऑप्शन नंबर ए ठीक है है इनका आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट जाते हैं रामनगर फोर्ट इज बुल्ट बाय रामनगर फोर्ट किसने बनाया राजा सुचेत सिंह ने गुलाब सिंह ने मियाहांत ने या चारक सिंह ने क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर बताना है रामनगर फोर्ट किसने बनाया है क्वेश्चन नंबर टेन का आंसर क्या है ऑप्शन ए राजा सुचेत सिंह ने बनाया है कौन सा फोर्ट रामनगर फोर्ट ठीक है चलिए नेक्स्ट है द फाउंडेशन ऑफ द पुंछ फोर्ट वॉज लेड डाउन बाय किसने फाउंडेशन रखी थी ये भी ध्यान रखना कि मैंने क्या पूछा है फाउंडेशन पूछा है ठीक है ना तो किसने रखी थी फाउंडेशन ऑफ द पुंछ फोर्ट राजा अब्दुल रजाक खान जगदेव सिंह रुस्तम सिंह या सुचेत सिंह फाउंडेशन किसने रखी थी क्वेश्चन नंबर इलेवन का क्या आंसर है ऑप्शन ए डेट इज अब्दुल रजाक खान नेक्स्ट है नूरी छम्ब वाटरफॉल इज इन विच डिस्ट्रिक्ट नूरी छम्ब जो वाटरफॉल है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है पुंछ राजौरी शुपियान या अनंतनाग नूरी छम्ब वाटरफॉल कहाँ पे है सो so, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एक और वाटरफॉल है नंदीशूल वो भी आपको याद रखना है एंड आप लोग मुझे बताओगे कि ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है नंदीशूल वाटरफॉल कहाँ पे है ठीक है चलिए नेक्स्ट है गुफ केव जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है अनंतनाग कुलगाम पुलवामा पहलगाम गुफ केव कहां पे है क्वेश्चन नंबर थर्टीन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेट इज पुलवामा में है नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन बॉटनिकल गार्डन सेट सेटअप इन विच ईयर बॉटनिकल गार्डन जो है वो कब बना था 1969 में 1970 में 1921 में या 1989 में चार ऑप्शन हैं चारों के आंसर्स आपने चारों में से एक आंसर है आपने बताना है क्वेश्चन नंबर का आंसर है 1969 है एंड ये पी वाई क्यू भी है ठीक है ये आपको पता होना चाहिए जेके एस एस बी में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है तो 1969 है ये आपको याद रखना है नेक्स्ट है द रूल्स ऑफ मोहारगर फोर्ट फोर्ट धीरगर फोर्टेन भूपेनगर फोर्ट फाउंड इट विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रियासी, रामबन सांबा रजौरी। कहाँ पे हमें इन फोर्ट्स के रूम्स मिले हैं कहां पे मिले हैं हमें इन जो भी नाम यहां पे है जैसे मोहरगढ़ है धेरघर है भूपेनगढ़ है इनके जो रूम्स है हमें कहां पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में मिले हुए हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पता होना चाहिए ये है हमारे ऑप्शन सी ट इज सांबा डिस्ट्रिक्ट में है ठीक है तो आपको इन सब के नाम भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से कहां पे है ओके चलिए नेक्स्ट है बिल्ट द हजरत बल मॉस्क सुल्तान सिकंदर इनायत बेगम यूसुफ या सादिक खान किसने बनाई है हुबुलट द हजरत बल मॉस्क ओके okay. इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी डेट इज इनायत बेगम अगर हम बात करें इनकी तो इसकी जो फर्स्ट बिल्डिंग थी वो सेवनटीन सेंचुरी में ही बनना शुरू गई शुरू हो गई थी बाय मुगल सूबेदार सादिक खान ठीक है ना और तब मुगल एंपायर कौन थे शाहजहां कौन थे शाहजहां ठीक है फर्स्ट इसकी बिल्डिंग जो तैयार होना शुरू हुई थी वो सेवनटीन सेंचुरी में हुई थी सूबेदार खान जो सूबेदार जो थे सादिक खान उन्होंने बनाई थी ये कौन थे मुगल सूबेदार थे एंड अगर पूछे कि कौन से रीन में किसके टाइम पीरियड में तो वो थे हमारे शाहजहां ओके नेक्स्ट आ जाता है हीरानगर इज अ टाउन इन कठुआ डिस्ट्रिक्ट इट इज नेम्ड आफ्टर राजा ध्यान सिंह राजा हीरा सिंह महाराजा हरि सिंह हीरा नगर एक टाउन है कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमें बताना है वो किस राजा के नाम, पे उस टाउन का नाम रखा गया है हीरा नगर एक टाउन है ठीक है उसको किस राजा के नाम के ऊपर रखा गया है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन का क्या आंसर हो सकता है हीरा नगर हीरा सिंह ऑप्शन बी ठीक है चलिए बैंक ऑफ यानी की मनसा देवी जो नाला है रिवर उसके पास ही एक फोर्ट बना हुआ है वो बनाया किसने राजा सुचेत सिंह ने बनाया अब हमने बताना है कि वो कौन सा फोर्ट है रामनगर फोर्ट शीश महल फोर्ट धनिंदर फोर्ट या जसरोटा फोर्ट क्वेश्चन नंबर तो वो कौन सा फोर्ट है जो कि राजा सुचेत सिंह ने बनाया है इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए डेट इज रामनगर फोर्ट ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट है ये या आपको याद रखना है ठीक है ना क्योंकि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको पहले ही बता रही हूँ कि जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस हो सकते हैं तो आपने वो पढ़ लेना है ठीक है ना वो ज़्यादा अच्छे से याद रखना है अपने दिमाग में एंड इवन मे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको काफी सारे जो है जम्मू एंड कश्मीर में क्वेश्चन करवा दिए हैं अगर आप उनको भी प्रैक्टिस करें या और से और ज्यादा प्रैक्टिस करें किसी भी क्वेश्चन को तो वो आपके लिए एनफ होगा मोर देन एनफ चलिए नेक्स्ट है खीर भवानी टेंपल वाज बुल्ट बाय महाराजा हरि सिंह महाराजा प्रताप सिंह महाराजा गुलाब सिंह एंड महाराजा रणबीर सिंह क्वेश्चन नंबर 19 आपने बताया है कि खीर भवानी जो टेंपल है वो किसने बनाया खीर भवानी टेंपल जो है वो किसने बनाया है क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन बी डेट इज महाराजा प्रताप सिंह ठीक है याद रखना इसको नेक्स्ट आ जाता है बैटल वॉज एट बसोली ये बसोली है कॉल्ड द बैटल ऑफ बसोली इन 1702 ईयर याद रख लो जैसे डोडा वाला पूछा था ना 1880 1822 वाला ईयर की फाउंड कब हुई थी सेम आपसे बसोली की फोर्ट फौ, भी लड़ाई भी पूछी जा सकती है बसोली में एक लड़ाई हुई थी बसोली है ये ठीक है इसको बसोली याद रखो बसोली में एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ बसोली सत्रह में तो आपको इसको ईयर भी याद रखना है अभी आपने बताना है किस किस के बीच में थे एंड मुगल सिख एंड सिखंड ब्रिटिश एन सिख दस किस किस के बीच में बैटल ऑफ बसोली हुई थी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है ठीक है बैटल ऑफ बसोली का ईयर भी याद रखिएगा ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपसे ईयर डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है कुछ भी पूछा जा सकता है बट ईयर भी अच्छे से याद रख लो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है सेवनटीन हंड्रेड एंड टू है बैटल ऑफ बसोली आपको याद रखना है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिख एंड डोगरास के बीच में हुआ था याद रखो ठीक है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट आ जाता है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन इज़ मैनेज बाय श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड सिंस कब से मैनेज कर रहा था एटीन नाइनटीन एटी फाइव या 1990 ये भी पी क्यू है जेके एस एस पी का ये भी आपको याद रखना है पी वाई क्यू इससे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमें उसे एनालाइज हो जाता है कि कैसे क्वेश्चन जो है वो जेके एस एस पी पूछ सकता है तो ये आपको याद रखना है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन जो है वो श्राइन बोर्ड उसको कब कौन से ईयर से मैनेज करना शुरू हो गया था तो वो होता 1986 से यानी कि हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है ठीक है नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 22 बिल्ट बाय किंग हीरा दिस फोर्ट सिचुएटेड बिटवीन तारा बे तारा एंड यहाँ पे एक आ, नाला है एक यहाँ पे ये गलत हो गया नाला नोटेबल टेंपल ऑफ महाकाली इन कटुआ. ये तारा आ, नाला के पास बना हुआ है ए फोर्ट ठीक है अब आपने बताना है जो कि हीरा सिंह ने बनाया है जो किंग हीरा है उन्होंने बनाया जैसरमर फोर्ट जसरोटा फोर्ट भीमगढ़ फोर्ट एंड बाहू फोर्ट और ये कहाँ पे है कठुआ में है तो आपको याद रखना है कि कठुआ में है एंड तारना रिवर जो है उसके पास है तारना नाला के पास है तो कौन सा फोर्ट है वो वो है ऑप्शन ए डेट इज जसमेरगर फोर्ट तो ये मैं थोड़ा सा करेक्ट करके आपको जो पीडीएफ जब प्रोवाइड कर लूंगी तो यहां पे जो है ये करेक्ट करके आपको बता दूंगी ठीक है चलिए नेक्स्ट है मांगला देवी फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट मंगला देवी फोर्ट है मंगला देवी फोर्ट कहाँ पे है जम्मू राजौरी रियासी या फिर पुंछ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री मंगला देवी फोर्ट ज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो कहां पे है ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री का आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेट इज रजौरी में ठीक है आपको याद रखना है एंड ये बनाया किसने है ये बनाया है राजा ध्यान सिंह ने ठीक है राजा ध्यान सिंह ने इसे बनाया हुआ है ये आपको याद रखना है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजौरी में है मंगला देवी फोर्ट एंड ये बनाया किसने है राजा ध्यान सिंह ने ठीक है चलिए नेक्स्ट इन विच कश्मीर वैली फिर दोस्त कुशल निषाद कुशदिल गुलशन ये क्या है ये है क्या ये जो लिखे हुए हैं ये किसके टाइप्स हैं क्या ये कश्मीरी शॉल्स हैं कश्मीरी हाउस बोट है कश्मीरी है, है या कश्मीरी गार्डन्स है ये इनमें से है क्या जिनके नाम आपको मैंने बोले हैं सो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का क्या आंसर होगा तो वो है ऑप्शन नंबर बी ये क्या है सारे कश्मीरी हाउस बोट्स हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं

शुपियान पुंछ पुलवामा या अनंतनाग क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स ऑप्शन बी डेट इज पुंछ पे है? कहां पे पुंछ पुंछ में में। ठीक है। लोकेट काथी दरवाजा एंड संगीन दरवाजा काथी दरवाजा और संगीन दरवाजा कहाँ पे है पर्वत फोर्ट में है धंधेगर फोर्ट में है चिंगूसराई में है या शेरघराई टेम्पल में शेर पैलेस में है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन लास्ट थ्री क्वेश्चन रह गए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको भी याद रखिएगा, काठी दरवाजा और संगीन दरवाजा कहां पे है 27 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हरी पर्वत फोर्ट में ये आपको याद रखना है ठीक है चलिए सराउंडेड बाई कनी फॉरेस्ट फॉरेस्ट ऑन ऑल द थ्री साइड जे वैली इज लोकेटेड है जे वैली कहाँ पे है गुलमर्ग में है बदरवा में है पहलगाम में या वरवान में जे वैली कहाँ पे है जे वैली कहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी डेट इज बदरवा बी से बदरवा शीश महल पुराना महल और नावा महल किस पैलेस के कॉम्प्लेक्स के पार्ट है रामनगर फोर्ट धनिंदर फोर्ट जसमेघर फोर्ट या बाहू फोर्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन का क्या आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डेट इज रामनगर फोर्ट के सब पार्ट्स हैं। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन द गदाधि टेम्पल इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वॉज बुल्ड बाई गुलाब सिंह गुलाब सिंह ने इसको गदादर जो टेम्पल है इसे बनाया था कौन से ईयर में बनाया था ये बी जे के एस एस बी का पी वाई क्यू है देखिए मैंने आपको पहले ही बताया ईयर भी आपको पता होना चाहिए ठीक है ना क्योंकि ईयर से क्वेश्चन आए जैसे मैंने बैटल ऑफ बसोली आपको बताया तो उसका ईयर भी आपको याद रखना है क्योंकि ईयर से भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है तो जो गदादर फोर्ट है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया किसने अठारह सौ में अठारह सौ बारह में सत्रह सौ सेवनटी सेवन में एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी में तो गदादर टेम्पल जो है वो बनाया गया था महाराजा एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी में तो हमारा ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाता है ऑप्शन नंबर डी ओके जी सो बस यहाँ पे हमारे खत्म होते हैं थर्टी क्वेश्चन जिसमें हमने डिस्कस किए जम्मू एंड कश्मीर के हिस्ट्री जोग्राफी एंडिसम आर्ट एंड कल्चर चीजें भी इनकी और होपफुली आपको लेक्चर अच्छा लगा हो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को जो फर्स्ट टाइम देखना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड शेयर कर लीजिए ओके okay जी थैंक यू सो मच नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हाँ अब संडे के लिए तैयार रहना है आप सबने संडे को हमारा फुल मॉक टेस्ट फिर से आने वाला है जिसमें हमने 100 क्वेश्चंस फिर से करने हैं वी डब्ल्यू के एंड ये देखिए कि ये क्वेश्चंस जो सेट सीरीज़ है ये आपके लिए सिर्फ प्रैक्टिस सेट है ठीक है ना ये आपके लिए प्रैक्टिस करने का सेट है तो इसमें हम कोई भी कंफर्मेशन नहीं देते कि इसी में से सारा आएगा ये यही आएगा बट आपने क्या करना है अपने आप को सिर्फ एक तरीके से चेक करना है कि आप लोग कहाँ लाइक कर रहे हो तो उसी के लिए ये प्रैक्टिस सेट्स जो है वो बनाए जाते हैं कोई भी आपको गारंटी नहीं देता कि इसी में से सारा आने वाला है तो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए एक और सेट बना दिया गया है हंड्रेड क्वेश्चन का तो संडे का वेट कर लीजिए संडे को आपकी वो क्लास होगी एंड सभी ज्वाइन कर लीजिएगा जो नए हैं चैनल को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करके बताइए कैसा लगा थैंक यू एंड बाय बाय